भारत के सीनियर स्पोर्टर जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने दानिश कनेरिया को खामोश कर दिया। पाकिस्तान के लिए 61 टेस्ट और 18 वनडे इंटरनेशनल मैच खेलने वाले दानिश कनेरिया पर साल 2012 में इंग्लैंड के एक काउंटी मैच के दौरान फिक्सिंग में मुलव्वस पाए जाने पर पाबंदी का सामना करना पड़ा, जिस पर कनेरिया को इंग्लैंड की जेल की हवा भी खानी पड़ी। बाद में कनेरिया ने इकबाले जुर्म भी किया और जिस पर ICC ने दानिश कनेरिया पर दुनिया भर में क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद कर दी थी। कुछ रोज कबल दानिश कनेरिया विक्रांत गुप्ता के लाइव शो में वीडियो कॉल के जरिए प्रोग्राम का हिस्सा बने। जब विक्रांत गुप्ता ने दानिश कनेरिया से उसके क्रिकेट कैरियर से मुतल्लिक सवाल किया तो दानिश कनेरिया ने पहले पाकिस्तानियों को बुरा भला कहा और फिर कह दिया कि मैं चूंकि हिंदू हूं इसलिए मेरा कैरियर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तबाह कर दिया था। जिस पर विक्रांत गुप्ता तैश में आ गए और सवाल किया दानिश कनेरिया से कि आप पर पाबंदी तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ICC के जरिए लगाई, मैच फिक्सिंग के सारे सबूत ICC को पेश किए गए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसमें क्या कसूर। जिस पर दानिश कनेरिया ने कहा कि आमन ने भी फिक्सिंग किया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका साथ दिया, उसको टीम में वापस लेकर भी आए। जिस पर विक्रांत गुप्ता ने कहा कि अमर को 5 साल सजा हुई थी, अमर अपनी सजा काट कर टीम में वापस आ सके। साथ सलमान बट और आसफ अली भी थे लेकिन वो वापस नहीं आ सके, लेकिन आप पर तो ताहयात पाबंदी है। जिस पर दानिश कनेरिया ने लाइव प्रोग्राम छोड़कर राह फरार इख्तियार की। किसी ने क्या खूब कहा है, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका नमक भी अपना है और नमक हराम।